प्यारे छात्रों, आज 10th क्लास का मैथ ये ऑब्जेक्टिव बुक है टारगेट का, और ये त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति से सबसे अधिक क्वेश्चन रहता है। इसको जो है हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बच्चा तो क्वेश्चन एग्जाम में जानता है, बट उसके पास समय नहीं होता, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव छूट भी जाता है, जिसके कारण आज हम इसको जो है कि बहुत कम समय में इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग का एग्जाम भी बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लाए हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में या क्वेश्चन बैंक में। तो सबसे पहले ये 10π/2 है, 10π/2 है, और यहाँ जो है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, जब ये त्रिकोणमिति में बात किया जाए तो पाए का मान जब भी हमको लेना है 180 डिग्री लेना है। कितना लेना है? 180 डिग्री लेना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जो 10 पाए के जगह पे 180/2, ये कितना 90 डिग्री। अब 10 90 का मान क्या होता है? 10 90 का मान 0 डिग्री। तो 10 ये जो मतलब पाई बाई टू है, तो ये जो है कि सॉरी, इसमें जो है कि दिया है इन्फिनिटिव, आप लोग इसमें गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि 10 90 है, 10 90 का मान जब भी होगा इन्फिनिटिव होगा, और 10 0 डिग्री का मान जो है ये 0 होता है। ठीक है, आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये दिया क्या है, 1/√3। जब 1/√3 का बात किया है, तो हम लोग ये चीज पता होना चाहिए, ऑप्शन को छांटने के लिए भी आना चाहिए, तब जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व सही ढंग से कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव से ही डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। अब जैसे 10 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या ये सही है? ये नहीं, ये गलत होगा। अब देखिए cos 45 का मान हम लोग पढ़े हैं 1/√2, ये भी गलत है। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/√2, आप लोग को मान याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद 10 30 का मान होता है 1/√3, ये ऑप्शन क्या है? सही है। इसको हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? रन देंगे। ठीक है, इसको क्या करना है? रनना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा है, और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और इसके लिए हम एक थ्योरी का क्लास देंगे। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? 1 पढ़े हैं। अब यही चीज यहाँ हमको हमसे क्वेश्चन किया है कि sec स्क्वायर थीटा ये प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस, इधर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूछा क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या है? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसमें? सी नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आप जो है इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा कि आप जैसे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, इधर ये रूट आएगा tan थीटा बराबर। क्वेश्चन जो है इसी से आप बहुत सारा यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, और आप लोग सही से इसको जो है अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये 2022 के लिए, और आप लोग जो है इसका सही से अध्ययन कीजिए। और देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्व देके लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना। अगर आप अध्ययन करके जाते हैं, सही से पढ़ के जाते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर पाई का बात किया जाए, तो पाई जब भी लेंगे तो 180 डिग्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। अब देखिए ये साइन पाई बाय 4 है, तो पाई के स्थान पर कितना रखेंगे? 180। अब माइनस, अब देखिए यहाँ कॉस, तो पाई के स्थान पर कितना रखेंगे? 180, ये 4। अब इसको कटाएंगे, देखिए कटाने का भी टेक्निक होता है, जैसे 4 × 16 तो बचा कितना? 2 × 4 = 20। इसको भी कटाएंगे, देखिए कितना बार है? 45 में। अब देखिए साइन 45 और ये क्या है? cos 45, साइन 45 और cos 45। तो अब देखिए सबसे पहले साइन 45 का मान क्या होता है? आप लोग को पता है 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2, ये प्लस और ये माइनस, ये
जीरो, आपका आंसर बी होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखिए ये जो है कि क्या क्या है, थ्री थीटा बराबर कितना लिखा है 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री बटे थ्री, ये कटाएंगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो थीटा के स्थान पे ये कोस जो है थीटा है, तो ये क्या थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे। अब देखिए कोस 30 का मान, कोस 30 का मान बाबू क्या होता है, रूट 3/2। तो ये 3/2 देंगे, आंसर नंबर बी होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप लोग देखिए। तो सबसे पहले 1 + tan² थीटा का मान है, तो ऑप्शन आपका 4 है, sec² थीटा, cos² थीटा, tan² थीटा और cot² थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा बराबर, तो हम आंसर तो डायरेक्ट ए नंबर कर सकते हैं। लेकिन हम इसका बेसिक जो आप लोग को पढ़ाए, क्या पढ़ाए हम पढ़ाए sec² थीटा -tan² थीटा। हम आपको जो बेसिक क्लास में बोल दिए शुरू से लेके अंत तक, हम वही बात पे क्या रहते हैं, अड़िग रहते हैं और आपको उससे हम आंसर करते हैं। तो ये क्या है 1 + tan, तो ये sec² थीटा बराबर ये 1, ये माइनस इधर लाएंगे क्या होगा प्लस। तो यही चीज को दिया है 1 + tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं sec² थीटा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखिए। ठीक है, और एक चीज, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा, आप तो सबसे पहले 1/3 किसका मान है, 1/3 हम लोग पढ़े किस में, ठीक है, या तो टेन का हो सकता है या तो कोट का हो सकता है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, आपको छांटने के लिए भी आना चाहिए और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग इस पे बात करते हैं, पहले हम लोग ये फंक्शन को देख लेते हैं, टेन कितना है, ये टेन जो है π/6 है, तो ये 10, तो हम पाई के स्थान पे कितना लेते हैं 180/6 6 × 18, तो ये 10 30 का मान होता है 1/3, आंसर आपका यही हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cosec θ = 2 हो तो थीटा का मान होगा 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है 3 cosec θ = 2, तो cosec θ = 2/3। अब देखिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले जो है कि इसमें हम साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये कोसेक 60 का मान 2/√3, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, डायरेक्ट मान ही पूछा है, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो दिया क्या है 1 + tan² a / cosec² a, इसको लिख सकते हैं 1, तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं sin² a / cos² a, और cosec को क्या लिख सकते हैं आप लोग जानते हैं 1/sin² a लिख सकते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 और cos² का लघु एलसीएम cos² ये cos² a + sin² a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin² a। अब इसका मान बाबू क्या होता है 1, cos² a + sin² a का मान होता है 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos² a ये 1/sin² a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos² a गुना ये sin² ऊपर और 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हम लोग लिख सकते हैं sin² a / cos² a = tan² a, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी देता है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, और आपका जो है कि इस क्लास का टारगेट है कि मतलब आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करें और आपका 50 में 50 मार्क्स आए, और ये क्लास आपको डेली मिलेगा। देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही से देखने का प्रयास कीजिए
और आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ये तो कॉस थीटा बराबर वन, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वन बटे रूट टू। अब देखिए कॉस वन, कॉस थीटा वन बटे रूट टू का मान होता है 45 डिग्री, तो ये थीटा का स्थान क्या वन बटे टू, मतलब जो है ये 45 डिग्री होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।